गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक ऐसा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसे हमारे महाराष्ट्र के लेखक ने लिखी हुई वो कहानी है, रविंद्र केलेकर। यह इस कवि ने इस लेखक ने पतझड़ में टूटी पत्तियां इस पाठ में हमें जैन की देन के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। आज के इस पाठ में हम बच्चों जापान के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। उससे पहले हम रविंद्र केलेकर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। रविंद्र केलेकर का जन्म कोंकण क्षेत्र में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। रविंद्र केलेकर गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार के साथ ही अन्य पुरस्कारों से वो पुरस्कृत किए हुए हैं। देखते हैं बच्चों, जो पाठ हम सीखने जा रहे हैं उसी में उन्होंने जैन की देन यह एक पाठ दिया हुआ है, उसी की रूपरेखा के बारे में हम देखते हैं। जैन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं इस पाठ के हम कुछ मुख्य बिंदुओं को जिसने जैन की देन यह एक पाठ दिया है। बच्चों पतझड़ में टूटी पत्तियां इस पाठ में सबसे पहले उन्होंने गिन्नी का सोना यह एक भाग दिखाया गया है जो हमें पाठ्य पुस्तक में इस साल एग्जाम के लिए परीक्षाओं के लिए घोषित नहीं किया गया है, इसीलिए हम उसका दूसरा भाग जो है वो है जैन की देन के बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी लेने जा रहे हैं। बच्चों जैन की देन में सबसे पहले हम जापानियों के मानसिक रोगों का कारण के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि यहाँ यानी जापान के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक हैं। उसके मित्र ने जवाब दिया कि जापान की 80% लोग तनाव के कारण मन से अस्वस्थ हैं। इसका कारण उनके जीवन की बढ़ती रफ्तार है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश की जाने लगी है। दिमाग की रफ्तार वैसे ही हमेशा तेज रहती है। उसकी रफ्तार और तेज करने से दिमाग का तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी कारण जापान में मानसिक रोग बढ़ गए हैं। तो बच्चों जापान जो हम देखते हैं कि तांत्रिक दृष्टि से विज्ञान की दृष्टि से हर बार एक कदम आगे रहने वाला ये जापान जो है वहाँ पर मानसिक रोग अधिक मात्रा में हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर उसका कारण भी दिया है कि वो लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं अमेरिका से, वो सबसे आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने दिमाग की जो रफ्तार है वो इतनी तेज की हुई है और उसी का एक परिणाम है कि वहाँ पर लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। बच्चों जो हमारी रेगुलर दिमाग की जो रफ्तार है उससे अगर हम ज़्यादा स्पीड पकड़ेंगे तो इसी तरह से मानसिकता जो है वो बिगड़ जाती है और मनुष्य तनाव के कारण उसे अनेक जो रोग होते हैं और उसी से वो ग्रस्त हो जाता है। तो बच्चों तो देखते हैं कि जापान के इस मानसिक रोग को उन्होंने किस तरह क्षम करने का यानी कम करने का कुछ उपाय भी सूझा होगा। लेखक का जापानियों की टी सेरेमनी में जाना। अब देखो बच्चों यहाँ पर जापान के लोगों ने जो अपनी मानसिकता है उस मानसिकता को दूर करने के लिए वहाँ पर टी सेरेमनी मनाई जाती है। वो क्या है उसे हम यहाँ पर देखते हैं।
शाम को लेखक के मित्र उसे टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि होती है, जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत होती है जिसके छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी होती है। उसके बाहर बेढप सा यानी भद्दा सा बड़ा सा एक मिट्टी का बर्तन पानी से भरा होता है। हाथ पांव धोकर व तौलिए से उसे पोंछकर सभी लोग अंदर गए। अंदर बैठे चाजिन ने कमर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। अंगट्टी सुलगाई, अंगट्टी यानी जो आग थी वो जलाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन लाकर तौलिए से साफ किए। चाय तैयार हुई तो चाजिन ने चाय भरे प्याले उन लोगों के सामने रखे। वहां तक सहित 3 मित्र थे। इस टी सेरेमनी में केवल 3 लोग ही वहां पर बैठ सकते हैं, बाकी अधिक लोगों के लिए वहां पर बिल्कुल ही इजाजत नहीं होती है। इस विधि में शांति यह मुख्य बात होती है, इसीलिए 3 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता। यानी 2 व्यक्ति और वो चाय बनाने वाला जो होता है, वह ऐसे मिलकर 3 आदमियों को ही वहां पर केवल प्रवेश होता है। बच्चों, यहाँ पर ये जो टी सेरेमनी मनाई जाती है, जो दिमाग की जो रफ्तार है, उस रफ्तार को एकदम शांत करने के लिए यहाँ पर ये टी सेरेमनी की जाती है। अब हम उसके बारे में तो जानकारी लेने ही वाले हैं कि टी सेरेमनी में ऐसा क्या होता है, किस तरह से दिमाग ठंडा हो जाता है, और जब दिमाग शांत हो जाता है तो किस तरह के अनुभव हमें मिल जाते हैं, इनके बारे में तो हम जानकारी लेने ही वाले हैं। लेकिन बच्चों, हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर एक सादी सी हमारे रोज के इसमें से जो हमारी गाड़ी है, उस गाड़ी को भी अगर 4 पहिए वाली गाड़ी को भी अगर आप इंजन को कंटिन्यू अगर आप लगातार उसे शुरू रखेंगे तो वो जो इंजन है उसका वो भी गर्म हो जाता है और वो बंद पड़ जाता है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी होती है जहां तक वो चल सकता है वहां तक, अगर ज्यादा तौर पर वो तप गया, गर्म हो गया तो वो बंद पड़ जाता है। फिर हमें गाड़ी रुकवा कर उसमें पानी डालकर उस इंजन को ठंडा होने तक इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम उस गाड़ी को शुरू कर सकते हैं और फिर वो आगे बढ़ सकती है। तो उसी तरह से बच्चों, हमारा जो दिमाग है, उस दिमाग को भी ठंडा करने के लिए उसे रात का समय दिया है, जो हमें जरूरी है 8 घंटे की नींद, जिसे अगर हम पूरा करेंगे तो दूसरे दिन हमारा दिमाग उतने ही तेजी से काम करना शुरू कर देगा। और इसीलिए क्यों 8 घंटे की नींद हमें जरूरी है, ये आपको इस बात से पता चला होगा कि उसे भी शांत होना चाहिए, ठंडा होना जरूरी है। तो चलो बच्चों, आगे देखते हैं ये टी सेरेमनी के बारे में। टी सेरेमनी में चाय की प्रक्रिया कैसी होती है? देखो, टी सेरेमनी में उपस्थित सभी लोगों के प्याले में 2 घूंट से ज्यादा चाय मौजूद नहीं होती। वे लोग होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहते हैं। करीब 1.5 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। लेखक को लगा मानो वर्तमान क्षण जो है वो अनंत काल में जी रहा है। यहाँ तक कि उसे सन्नाटा भी स्पष्ट सुनाई देने लगा है। तो बच्चों, ये जो 2 घूंट वाली चाय पीने के लिए 1.5 घंटा उन्होंने लगाया, उसका कारण यह है कि वो वहां पर बिल्कुल शांति है, बोलना नहीं होता है। तो यहाँ पर इतने दिमाग को शांत रखा जाता है और उसमें से आदमी अपने वर्तमान क्षण में आ जाता है और उसे अपना वर्तमान जो है वो
क्षण उसे बहुत लंबे लगने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है, उसकी रफ्तार है, उस दिमाग की रफ्तार को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए यहाँ पर जरूरी होता है मेडिटेशन, यानी ध्यान साधना। बच्चों, इसी ध्यान साधना को अगर हम आत्मसात करेंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ रहेंगे, दिमाग एकदम अपना तेज बन जाएगा और हम अपने दिन की शुरुआत अच्छी तरह से कर, जो हमारा कामकाज है वो सही तरीके से, शांत दिमाग से अगर हम करेंगे तो वो रफ्तार भी सही तरीके से पकड़ कर हम उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर इस पाठ में भी बताया गया है कि लेखक को वर्तमान जो है, उस वर्तमान के बारे में उसने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। ऐसे वर्तमान के क्षण को जब उसने अपनाया, अनुभव किया, तब उसे पता चला कि शांति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, यह ध्यान साधना कितनी महत्वपूर्ण है, जो जापानियों को बुद्ध से मिली हुई एक सबसे बड़ी देन है। और इसी देन से वहां पर लोग जो हैं वो अपनी अपना जो विकास है वो कर रहे हैं, और अपने मानसिक रोगों को भी वो इसी तरह से मेडिटेशन यानी ध्यान साधना से अपने आप उसे कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें भी यही सीखना है। बच्चों, हम क्या करते हैं कि हमारे वर्तमान क्षण को हम कभी जीते ही नहीं हैं, हर दम हम अपने भविष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं, और जो बीता हुआ काल है उसके बारे में भी हम सोचते रहते हैं, और हमारे दिमाग में इस तरह से बहुत चक्र शुरू रहते हैं, और हमारा जो सत्य है, वर्तमान स्थिति, उस वर्तमान के क्षण को हम ऐसे ही गवा देते हैं, छोड़ देते हैं, उसे सही तरीके से हम जीते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर यही लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें न फ्यूचर के बारे में सोचना है और ना ही बीते हुए दिनों के बारे में, बल्कि जो शुरू है उसके बारे में अगर हम अच्छी तरह से शांति से सोचेंगे और उस हर एक पल को हम अच्छी तरह से जिएंगे, महसूस करेंगे, तो ही हमें वो दिन बहुत लंबा और अच्छी तरह से याद रहेगा और हम उससे हर एक पल को अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो हम अपने भविष्य के बारे में सोचकर इतना भागम दौड़ करते रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य हम बिगाड़ते, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। बच्चे, आज हम अनुभव कर रहे हैं कि वर्तमान कितना लंबा है, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में सोचने से पहले अब जो शुरू है उस वर्तमान के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ही हमारा फ्यूचर यानी भविष्य अच्छी तरह से होगा। तो इस तरह से ये टी सेरेमनी है जो वर्तमान के हर एक पल को, क्षण को मनुष्य को अनुभव कर देती है, और इसी तरह से उसे पता चलता है कि वर्तमान कितना सुंदर है। तो बच्चों, ऐसे ही इस पाठ में झेन परंपरा की वहां पर देन है, यानी कि अक्सर यहाँ पर जापान के लोग जो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, या भविष्य के रंगीन गप्पे या बारे रंगीन भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, यथार्थ में दोनों काल मिथ्या है, हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य होता है, उसी में जीना चाहिए। जीना किसे कहते हैं, उस दिन लेखक को पता चला, जापानियों को झेन परंपरा की यह एक बड़ी देन मिली हुई है जो मेडिटेशन है। बच्चों, मेडिटेशन में यही होता है कि हम जब ध्यान साधना करते हैं तो उस ध्यान साधना में हमारे दिन की जो पूरा वर्तमान है, उस वर्तमान को हमें जांचना है कि मैंने क्या किया है, किस तरह का पल मैंने जिया हुआ है, और उसमें से क्या सही था, क्या गलत था, जिससे जो गलत है वो गलत मैं कल के जीवन में, यानी जो आने वाला कल है उस कल में वो गलती नहीं होने दूंगा, ये इसी से उसका दूसरा दिन शुरू हो जाता है। और यही है मेडिटेशन यानी शांति, जो झेन की देन है, और इसी मेडिटेशन को लगाना बहुत जरूरी है बच्चों, जिसे हमें वर्तमान क्षण का पता चलता है कि आज का दिन हमने किस तरह से बिताया है।
तो यही यहाँ पर सबसे बड़े बात लेखक ने यहाँ कही है कि हमें भी अपने जीवन में दिन में से एक बार, यानी हमारे हमें सोने से पहले तो भी मेडिटेशन करना चाहिए, जो हमारे दिमाग की जो रफ्तार है उस रफ्तार को ठंडा कर देता है और हमें फिर से दूसरे दिन एक नई जिंदगी बड़े रफ्तार के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर ये जो लेसन है झेन की देन, यानी जापान के लोगों को जो बुद्ध की देन मिली हुई है मेडिटेशन, वो हमारे जीवन में कितने नई परिवर्तन कर देता है, इसी परिवर्तन को हम भी सीखेंगे, उसे अपनाएंगे अपने जीवन में और हम भी आज से यह प्रण करते हैं कि हमें भी मेडिटेशन करना है और वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारी जो मानसिकता आज की जो वातावरण में भी बिगड़ती रह जा रही है, अनेक कोलाहल हमारे दिमाग में मच रहा है, उसे शांत करने के लिए मेडिटेशन ही उसके ऊपर सबसे बड़ी दवा है। उसे ही हमें करना है, अपने आप को झांक कर देखना है उस मेडिटेशन से कि हमारा जो वर्तमान है, आज का दिन जो हमने बीता है, उसमें से कितना सही था और कितना गलत था और उस गलतियों को दूसरे दिन सुधारना है और अपने जीवन को विकास की ओर ले जाना है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह जो पाठ है झेन की देन, वो यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।